किसी भी बुड पर आप जब बुड स्टैंड करना चाहते हैं तो अच्छे से सैंडिंग करेंगे। कितने कट के निशान होते हैं बुड के अंदर, देखो ऊंचा नीचा भी है। ये तभी खत्म होते हैं जब आप बारी बारी से 60, 80, 100, 120 लगाते हैं। हाथ से भी लगा सकते हैं, इस तरीके से बारी बारी से लगाएं। 60 नंबर, 80 नंबर, 100 नंबर, 120 नंबर, इस तरीके से दबा कर देखिए सैंडिंग करेंगे तो स्मूथ हो जाएगा। दूसरा तरीका है, ठीक है ना, इस तरीके से आप ये देखिए बारी बारी से 60, 80, 100, 120 लगा देंगे, एकदम स्मूथ हो जाएगा, ठीक है ना। इसमें तो हम लगाते रहेंगे लेकिन आपको समझाना था इसलिए बता दिया। जब हम पॉलिश करके दिखाएंगे तो वो दूसरी वीडियो में हम विस्तार से बताएंगे, लेकिन अब हम फटाफट करके आपको बताएंगे ना कि आप बुड स्टैंड कितने प्रकार से कर सकते हो। कोई सा भी बुड हो, आप डायरेक्ट कभी भी कलर ना करें। लकड़ी पर बुड स्टैंड करके हम आपको दिखाएंगे, लेकिन बिनियर का भी हम आपको बताते चले। इसमें अगर फेविकोल के निशान है तो पानी से छुटाएं, और पेंसिल के निशान हो तो पानी से छुटा दें। उसके बाद 320 नंबर सेंड पेपर से सेंडिंग करने के बाद इसको एक साफ कपड़े से, कॉटन का कपड़ा होगा तो ज़्यादा अच्छा होगा, साफ कर लीजिए ताकि धूल मिट्टी ना रहे, ठीक है ना। उसी तरीके से जब आपकी लकड़ियों पर भी सेंडिंग हो जाए अच्छे से, उसके बाद ऐसे कपड़े से साफ कर लेंगे, देखिए कितना धूल आ जाता है। अब आप क्या करेंगे, लाख दाना और स्प्रिट का मिक्सचर है ये, इसमें थोड़ा सा और स्प्रिट ऊपर से मिला देंगे। साफ करने के बाद बहुत ही पतला करें और उसके बाद इसमें लगा दें, इस तरीके से देखिए ऐसे करके लगा दीजिए। देखिए इसको कहते हैं एक हाथ पॉलिश, यानी धुलाई का भी समझ लो, जब सेंडिंग हो जाए तो इस तरीके से करना चाहिए। अब हम पहली बार इसको यूज करके देख रहे हैं बुड फिलर कैसा है। देखिए लगाकर मोटा मोटा इसमें नहीं रखना है, ठीक है ना। जब ये सूख जाए तब आप 320 नंबर से सेंडिंग कर सकते हैं बीनियर पर, और इसको दोबारा फिर नहीं लगाना है। दोबारा तब लगाना है जब कहीं टूटा फूटा हो बीनियर पे, कहीं डेंट हो तो उसी जगह पर ऐसे लीजिए और रिपेयर कर दीजिए, फिर पूरे में नहीं लगाना, इस तरीके से। अब हम लकड़ियों पर भी ऐसे ही लगा लेंगे। देखिए हम जब हाथ से बनाते तो गिरता ही नहीं। देखिए अभी सूख जाए सेंडिंग कर लीजिए 320 नंबर सेंड पेपर से, उसके बाद आप इसके ऊपर स्टेन कर सकते हो बुड स्टेनर किसी भी कलर का, क्योंकि आपको नीचे का रेशा भी दिखेगा और कलर भी हो जाएगा, इसी तरीके से करना होता है। अब हम सारे में लगा लेते हैं पहले, उसके बाद कलर करते हुए दिखाएंगे। देखा अरे यार ये बुड कलर तो यार आधा तो नीचे ही गिर जाता है, हमारे हाथ से बनाते हैं तो वो तो गिरता नहीं है यार। जिधर इसके रेशे बने हैं उधर ही सेंडिंग करेंगे, आड़ा ना चलाएं, नहीं तो इसके बीनियर के रेशे कट जाएंगे, ठीक है। अब आपने कर लिया, एक साफ कपड़े से इसको साफ कर लीजिए। देखो इसको भी हमने सेंडिंग करके रखा है पहले से, सिर्फ आपको बताना है, इसीलिए व्हाइट लाख दाना को लगा देंगे। तरीके से इसमें आप लगा दीजिए, लग गया। आप हर जगह लगा सकते हो, लेकिन हमें तो आपको बुड स्टैंड करके दिखाना है ना कि आप अगर पाइन बोर्ड पर बुड स्टैंड करोगे तो कैसे करोगे। अब देखो घिसाई हो गई, एक हाथ आपने लाग दाना और स्प्रिट का भी लगा दिया, लेकिन ये व्हाइट सीलेक है, ऐसा ही लगाना है, सफ़ेद जो लकड़ी हो, जो एलोइश वाइट हो, ठीक है। देखो इस पे भी आप लगा सकते हो इस तरीके से, ये देखो एक हाथ पॉलिश का लग जाए तब आप इस तरीके से बूट स्टैंड करने से पहले एक बार
देखो ये हमने खुद से बनाया है, तो पिछली वीडियो में हमने आप लोगों को बताया है कि आप खुद से भी वुड फिलर कैसे बना सकते हो। पतला करके घोल कर लगा सकते हो, एक कपड़े से लगा के दूसरे कपड़े से पोंछ सकते हो बीनियर पे। लगाने से क्या होता है, आपके वुड के सारे ग्रेन के अंदर ये पाउडर लग जाता है अच्छे से। इस तरीके से करना है, जब ये सूख जाए 320 नंबर सेंड पेपर से सेंडिंग कर दीजिए, उसके बाद आप इसमें कलर कर सकते हैं। सूखने दो, उसके बाद जब पाउडर सूख जाए तब आप सेंडिंग कर दीजिए। 320 नंबर सेंड पेपर से सेंडिंग करेंगे, ध्यान रखना। पाउडर की कटाई हो गई तो कितना सुंदर लग रहा है, कहीं पे भी थोड़ा मोड़ा रिपेयर होगा तो वो भी भर गया है, इसीलिए लगाया जाता है। अब समझ में आया ना क्यों लगाया। अब हम इसमें बॉडी स्टेनर कर सकते हैं। देखिए सेंडिंग होने के बाद कितना फर्स्ट क्लास। देखो जहाँ टूटा रहेगा वहीं रुकता है, ये देखो करीब से देखो, दिख रहा है, देखो रुका यहाँ पर और यहाँ पर। देखिए हो गया साफ, देखिए पाउडर इसके ग्रेन में ही रुका है और कहीं पे भी नहीं। देखो पूरा बीनियर इसका दिखाई दे रहा है ना, इसी तरीके से होता है। देख लीजिए फर्स्ट क्लास हो गया ना, इसमें तो हमने वुड फिलर लगाया। यहाँ पर हल्का दरार था, वुड फिलर से ये भी भर गया। इस तरीके से 320 नंबर सेंड पेपर लगाना है। अब देखिए कहीं पे बारीक खुला होगा ना इसका ग्रेन, वहीं पे ही वुड फिलर रुकता है, समझ। या जो हम हाथ से पाउडर बनाते हैं, हल्का सा फेविकोल डालते हैं, तो देखो वहीं रुकेगा। लेकिन रेगमाल लगाते लगाते तुम्हारी हालत खराब हो जाएगी, इसीलिए सिर्फ रिपेयर बनाने के लिए इस्तेमाल करें, पूरे बोर्ड में ना लगाएं। बाकी जैसा मैंने आपको बना के दिखाया, मेरे तरीके से करोगे तो फेविकोल अपने मर्जी से दे सकते हो और आराम से कटाई कर सकते हो। अगर मेरे तरीके से करना है तो आराम से कर सकते हो, लेकिन इसको सिर्फ रिपेयर के लिए खरीद सकते हो, पूरे बोर्ड में इस्तेमाल मत करना, ध्यान रखना। देखो वुड फिलर के बारे में मैं एक बात बता दूं, मैंने अभी आपको लगा के दिखाया ना वुड फिलर, वुड फिलर बहुत अच्छा है, लेकिन रिपेयर करने के लिए पूरे वुड पे मत लगाना, क्योंकि बहुत सख्त है और काटने में आपका पसीना छूट जाएगा, इतना ध्यान रखना। लेकिन जैसा हम बनाते हैं ना, तो हमारा वीडियो देखो, फेविकोल डालते हैं अपनी मर्जी से, कम डालोगे क्योंकि पाउडर की कटाई आसानी से हो जाना चाहिए। रिपेयरिंग जब टूटा फूटा होता है वो थोड़ा सख्त हो तो चलेगा, तो उसमें आप वुड फिलर यूज कीजिए। लेकिन वुड में लगाना है या बीनियर पे लगाना है तो जैसे हम बनाते हैं ना, हमारी वीडियो देखो वैसे ही लगाओ, लेकिन क्योंकि हमने थोड़ा आजमा के देखा पूरे में लगा के, लेकिन बहुत हार्ड कटाई होता है, ठीक है ना, ध्यान रखना। जैसे कि देखिए इसमें भी हमने वुड फिलर लगाया, देखो काटने में कितना टाइम ले रहा है ना, और ये हमने पिछले वीडियो में जो लगा के दिखाया था, देखो तुरंत कट गया, साफ हो गया। देखो हम अपनी मर्जी से बना सकते हैं, और ये होता है कहीं टूटा फूटा हो वो वाला वुड फिलर होता है, इसीलिए ध्यान रहे। अब हम सेंडिंग कर लेते हैं, सेंडिंग हो जाने के बाद हम आपको, क्योंकि आज की वीडियो इसी के ऊपर है कि आप वुड स्टेनर कितने प्रकार से और कितने और कब कैसे क्यों लगाना चाहिए वो है, इसलिए पहले हम सेंडिंग कर लें, साफ सफाई कर लें, उसके बाद हम आपको करते हुए दिखाएंगे। आज हम जानेंगे वुड स्टेनर के बारे में, का तरीका बताते हैं। स्टेन करने से पहले हम आपको कुछ बताना चाहते हैं। देखिए की ब्रांड पाउडर से हम बनाते हैं नेचुरल वुड पॉलिश के लिए, वो वीडियो आप देख लेना कैसे बनाना है, देखो कितना क्लियर और साफ नज़र आ रहा है। और ये है आपका वुड फिलर, ये देखिए उधर देखो, ये देखो हमने कल ये लाइट टिक यूज़ किया है, देखिए टूटा फूटा है अपने बीनियर में, या जैसे लकड़ी है देखो इधर, कोई सा भी लकड़ी है, इसी को ही दिखा देते हैं हम। देखिए अगर आप कहीं पे भी रिपेयर करना चाहते हैं, सिर्फ रिपेयर, पूरे बोर्ड में आप नहीं लगा सकते इसको,
क्योंकि बहुत हार्ड है, कटता नहीं है। यह है MDF बोर्ड, मीडियम डेंसिटी फाइबर बोर्ड। यह है देखो प्लाई बोर्ड, जिसमें बीच बीच में कटी हुई लकड़ी रहती है, और यह है प्लाई बोर्ड। इन तीनों में आप इसको कर सकते हो, कोई सा भी वुड फिलर। ये देखो, चाहे आप वाइट पॉलिश करना चाहते हैं तो लगा सकते हैं, बहुत हार्ड है। ये टीक है और ये वॉलनट है। देखो अब क्या करोगे, अगर आपको मान लीजिए इसमें आपको पॉलिश करनी है, उसके लिए बहुत बेहतरीन है। आपको नेचुरल करना है तो टीक कर दो, वॉलनट करना है तो इसको कर दो, और वाइट करना है तो इसको कर दो, ठीक है ना। और कोई भी कलर, जैसे कि इसमें नहीं बनाना और कोई कलर चाहिए तो वाइट में मिक्स करो और लगाओ, क्योंकि बहुत हार्ड होता है। इन सब चीज़ों के लिए बहुत बेहतरीन है। हमें तो मज़ा आ गया जब हमें MDF पर करना होगा, या प्लाई वुड पर या प्लाई बोर्ड पर करना होगा तो हम वुड फिलर का यूज़ करेंगे, क्योंकि बहुत हार्ड होता है। बेस भी अच्छे से, क्योंकि घिस के पूरा निकालना नहीं है ना उसमें, हमें तो सिर्फ बेस बनाना है, ऊपर से पॉलिश करना है, उसके लिए बहुत बढ़िया है। लेकिन यदि आप सोच रहे हो कि हम बीनियर पे भी कर देंगे या लकड़ी पे भी करेंगे तो क्या होगा, इसका सत्यानाश कर देगा, जिसको कहते हैं ना, एकदम बेकार कर देगा अगर पूरे में लगाओगे तो। अगर आपको रिपेयर करनी है कहीं कहीं तो ये ठीक है, बहुत बढ़िया है। नहीं तो जैसा हम पाउडर बनाते हैं वैसा बना के इस्तेमाल कीजिए, बहुत अच्छा है। हमारे लिए ये अच्छा तब है जब हम MDF बोर्ड, प्लाई बोर्ड या प्लाई वुड पे करेंगे तब। लेकिन ऐसे में पूरे में लगाएंगे तो देखो ऐसे सफ़ेद सफ़ेद हो जाता है, बहुत हार्ड है, और कटाई करेंगे ना आपको बहुत दिक्कत होगी, ठीक है ना। इसीलिए जैसा हम बनाते हैं वैसे ही बना के करो। तो चलिए हम करके दिखाते हैं और इन सबको हटा लेते हैं। सीलर हो, लेकर हो, लाकदाना हो, प्यू हो, मेलामाइन हो, अपोक्सी हो, उसमें तक हम डाल सकते हैं इसको कलर के लिए। बस ये है कि अच्छे से मिक्स हो जाना चाहिए। अब हम आपको करके दिखाते हैं, क्योंकि हमने बता दिया कि किस किस केमिकल के अंदर आप वुड स्टेनर को मिला के कर सकते हो। जो भी हम पॉलिश में इस्तेमाल करते हैं ना लिक्विड, उन सभी में वुड स्टेन आप मिला सकते हो, ठीक है। लास्ट में एक बार और बता दिया, ठीक है। अब हम इसको हटा लेते हैं फिर करके दिखाएं। एशियन पेंट का वुड टेक वुड स्टेन है फॉर इंटीरियर। देखो इसमें भी मार्केटिंग इन्होंने कर रखी है, इंटीरियर एक्सटीरियर का पंगा इसमें भी है, इंटीरियर, ठीक है। AP स्टेन चारकोल, चारकोल शायद ब्लैक को ही कहते हैं ये लोग। देखो ये बूट फिन का है, बूट स्टेन फॉर ऑल वुडन सरफेस के लिए ब्लैक। अब देखते हैं इन दोनों में क्या फ़र्क है पहले, क्योंकि हमें ब्लैक बनाना है तो दोनों का ही थोड़ा चेक कर लिया जाए कि चारकोल और ब्लैक में क्या फ़र्क है, क्या अंतर। और टिश्यू पेपर जरूर पास में रखें, क्योंकि इन लोगों का कोई भरोसा नहीं है कब किधर लुढ़क जाए। थोड़ा सा फर्क है, ऐसा लगता है चारकोल जैसे कि हमारा कोयला होता है ना, तो उस तरीके का ब्लैक है, और ये थोड़ा सा ऐसा लगता है 19-20 का फर्क है, लेकिन है तो दोनों सेम। ये थोड़ा ज़्यादा ब्लैक है चारकोल, थोड़ा सा डाल दो। देखो इस तरीके से पतला करके लगाओगे तो अच्छा होगा कलर। देखो इस तरीके से बनाते चले जाओ, ब्लैक बोलो, चारकोल बोलो, एशियन वाले चारकोल बोलते हैं, वुडफिन वाले ब्लैक बोलते हैं, ठीक है ना। ये वॉलनट, देखो वॉलनट तीन कंपनी का है हमारे पास, किसी का भी यूज कर लो, है खुला हुआ वो इसी का ही यूज करो, फिर काम का है। किस में लिखा है वॉलनट, इसमें डालो, देखो में दिखाई दे रहा है ना, एकदम ऐसा ही है ये। देखो कोई भी केमिकल में डाल सकते हो, ये सीलर में, लैकर में, मेलामाइन में, प्यू में, किसी चीज में भी डाल सकते हो। थोड़ा सा इसीलिए हम इसीलिए डालेंगे, पकड़ बनाने के लिए, लेकिन लगा के हम रखेंगे नहीं, पोंछ देंगे हाथ के हाथ, क्योंकि हमें लकड़ी के रेशे भी दिखाने हैं। और ऊपर से हम डालेंगे थोड़ा सा थिनर, देखिए हो गया पतला, क्योंकि कभी भी कोई भी कलर गाढ़ा गाढ़ा नहीं लगाना चाहिए। इसको भी कर देते हैं बंद, नहीं तो थिनर उड़ता रहेगा। अभी हमारा बन गया दो, ये हो गया चारकोल ब्लैक या वॉलनट। अब इसमें हम बनाएंगे रोज वुड। अब देखिए रोज वुड भी हमारे पास दो कंपनी के, देखिए रोज वुड स्टेम, ठीक है ना।
ये भी देखिए बुट टेक बुट स्टैंड है ना, ये भी इंटीरियर है। अच्छा ये पावर का है रोज वुड, जरा देखें कैसा है इसका रोड वुड, रोज वुड है या रोज वुड है, शायद बुज रोड है। ये देखो अरे वाह, ये सूख तो नहीं गया डिब्बे के अंदर, ये देखो ले लिया हमने है ना, शाबाश, इसको कर दो बंद। रोजवुड पीट और लागदाना का मिक्सचर, हम चाहते तो सीलर लेकर किसी में भी मिला सकते हैं, लेकिन अभी डब्बा कौन खोलेगा, क्योंकि पॉलिश करके तो दिखा नहीं रहे ना आपको, सिर्फ बूट कैसे स्टैंड करना है उसको। देखो इसमें भी हमने मिला दिया थिनर, देखो इसको भी हम इधर रख देते, और देखो ये डब्बे बड़े काम के हैं। अच्छा इसमें लिखा है टीक एलो, तो हमारा ये है एलो, ये है टीक। अच्छा आप चाहो तो रेड ब्राउन भी कर सकते हो, ये बाद में करके देखेंगे, क्यों इतना सारा तामझाम करना ठीक नहीं। ये है ओक एलो, ठीक है ना, तो टीक एलो ही करते हैं, टीक डालते हैं, कितना सुंदर कलर होता है इसका। तो अलग अलग भी कर सकते हो, टीक को भी अलग से कर सकते हो और एलो को अलग कर सकते हो, लेकिन इसमें हम टीक और एलो दोनों मिक्स करके करेंगे, जैसे कि इसमें हमने लिखा है वैसा ही करेंगे, थोड़ा सा एलो भी हमने डाल दिया, थोड़ा सा पॉलिश का मिक्सचर, ठीक है थोड़ा ही डाला है, इसको भी कर दो बंद। ये हो गया हमारे चार कलर, ठीक है ना, और दो कलर हम करके दिखाएंगे आपको। देखिए बहुत ही छोटा छोटा लिखा है ना इधर, समझ में नहीं आएगा, लिखा है डार्क इंडियन ओक, तो इसलिए हमने यहाँ पर भी लिख रखा है। ये चार्म बोर्ड का है, और ये है क्या है, बेज है या बेंजे है या बेंगा बॉयज है, पता नहीं कोई भी है, बेंज लिखा है ना, तो ये भी हम आपको करके दिखाएंगे, ये भी चार्म बोर्ड का है, ठीक है। तो इसको हम बाद में जब लगाएंगे तब दिखाएंगे, लेकिन ये जो चार हम रेडी कर चुके हैं इसको अब हम लगा के दिखाएंगे। अब देखिए ब्लैक वन और ब्लैक टू हमने क्यों लिख रखा है, किस तरीके से लगाएंगे, ये देखिए लगा दिया। अब हाथ क्या है जिसको पहुंच दे सूखने से पहले, देखो आपको पता चलेगा कि इसके रेशे कैसे दिखते हैं। देखिए एक बार लगाया हमने और पोंछ दिया, पर आप सीलर और लेकर करेंगे तो आपका बीनियर पूरा दिखाई देगा, और अभी भी दिख रहा है, ठीक है ना, और हमने किस तरीके से बनाया ये भी आपको पता है। देखिए इसमें हम दो बार करेंगे, इसमें अब हम और नहीं करेंगे, इसलिए हमने ब्लैक वन लिखा है, आराम से दिखाओ, एक बार लगा के ऐसे हम पोंछ देंगे, चाहे आप कपड़े से पोंछे या टिश्यू पेपर से पोंछे। अब थोड़ी देर के बाद एक बार और लगाएंगे, ताकि आपको एक बार लगाने से कैसा दिखाई देता है और दो बार लगाने से कैसा दिखाई देता है पता लग जाएगा। देखिए 5 मिनट रुको, फिर एक बार और लगाओ, तब आपको पता चल जाएगा। दो बार करने से आपको अगर डार्कर शर्ट चाहिए तो आप दो बार भी कर सकते हो। देखो ये लग गया है ना, इसको पोंछ हाथ क्या, ये देखो इसे पोंछ जाओ, इस तरीके से पोंछ दीजिए। अब इसमें हम नहीं लगाएंगे, क्योंकि ये दो बार हो चुका है, ये एक बार हो चुका है। अब देखिए एक बार करने से भी ब्लैक हो गया ये चारकोल, और दो बार करने से थोड़ा सा डार्क हो गया। अब आपको कौन सा शेड चाहिए, इससे ज़्यादा करेंगे तो आपके नीचे का जो बीनियर के ग्रेन है ना रेशे, वो छुप जाएंगे। अब आप समझ गए ना, इससे ज़्यादा नहीं कर सकते। अब इसमें आप सीलर और लेकर करेंगे चमक जाएगा, ठीक है। आप इसको हम रख देते हैं, जब हम वुड पे करेंगे तब दिखाएंगे। अब हम करके दिखाएंगे आपको वालनेट, देखिए वालनेट वन और वालनेट टू लिखा है ना, ये देखिए इसमें हम सिर्फ एक बार लगाएंगे,
अच्छे से लगाएंगे, एक ही बार लगाएंगे। ये देखिए, अब हम इसमें और नहीं लगाएंगे, लेकिन इसमें हम दो बार लगाएंगे। देखो, लकड़ी की शेंडिंग हो जाए, फिर पॉलिश लगाओ, फिर इसमें पाउडर लगाओ। लगाने के बाद फिर इसमें वुड स्टेन कर सकते हो, जब सारा काम हो जाए। देखो इस तरीके से, लेकिन एक बार और लगाएंगे, जैसे कि यहाँ पे लिखा है वॉलनट टू, इससे हम देखेंगे कि ज़्यादा डार्कर शेड आता है या नहीं। जब सूख जाए एक बार और लगाएंगे इस तरीके से, अच्छे से लगा के फिर पोंछ देंगे इस तरीके से। देखिए, इससे डार्क है ये, दो बार करने से। और ध्यान रखें, इससे ज़्यादा अगर करेंगे फिर ये डार्क वॉलनट हो जाएगा, फिर बीनियर का मज़ा ख़त्म हो जाएगा, ठीक है ना। इसीलिए हम करके दिखा रहे हैं कि एक बार करने से ऐसा आएगा, दो बार करने से ऐसा आएगा। अब जब सूख जाए तब आप इसके ऊपर पॉलिश लगाएं, जो भी दो चार हाथ पॉलिश लगाना लगाएं, उसके बाद सीलर हल्ला करके, ठीक है। अब हम इसको रख देते हैं, ये तो हम बीनियर पे करके दिखा रहे हैं, अभी वुड पे भी करके दिखाएंगे ना अभी अलग से। इसको भी बंद कर दो, जब इसकी बारी आएगी देखा जाएगा। अगर सूख भी जाए तो थोड़ा सा थिनर डाल देंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। टिश्यू पेपर जरूर साथ में रखो, कलर करते से। ये रोज वुड है, इसे भी अच्छे से लगाओ, जितना भी लगाना है गीला रहते रहते, फिर इसको तुरंत पोंछना भी है इस तरीके से। अगर आपको नीचे का जो ग्रेन है वो दिखाना है, तो जो भी देखो फालतू लगा होगा वो इसमें आ जाएगा, तो आपका एक जैसा दिखेगा वुड। अच्छा, इसमें लिखा है रोजवुड टू, इसमें हम दो बार करेंगे। एक बार लगा के हम पोंछ दे रहे हैं, जब ये सूख जाएगा तो 5 मिनट के बाद और एक बार लगाएंगे। अगर डार्कर शेड चाहिए तो आप एक बार और लगा सकते हैं, लेकिन बार बार लगाओगे, मोटा मोटा करके लगाओगे तो क्या होगा, आपके ग्रेन छुप जाएंगे, वो खाली नाम का ही रोजवुड रहेगा, काला पीला दिखाई देगा, ठीक है ना। इस तरीके से देखिए, इसमें दो बार हो चुका है, तो इससे थोड़ा डार्कर दिखाई दे रहा है। अब हम इसको रख देते हैं, अब हम वुड पे जब करके दिखाएंगे इसको करते हैं बंद, नहीं तो ये हवा लगते लगते थिनर उड़ जाएगा। अब हम करेंगे टीक और येलो। देखो, टीक को भी अलग से आप कर सकते हो और रेड ब्राउन को भी कर सकते हो। अब हम बाद में इस वीडियो के बाद एक एक करके हम बनाते रहेंगे। जब गद्दी बनाते हो ना कपड़े का, कॉटन का, तो उसको लेके दूसरे में ना डुबो दें ध्यान से, क्योंकि सब कलर के लिए, अलग अलग कलर के लिए अलग अलग कॉटन फैब्रिक होना चाहिए। टीक येलो लेंगे, इसमें से ले लिया, एक बार लगाएंगे इसमें से, जैसे भी लगाना है एक ही बार लगाना है, ठीक है ना। लगा दिया, अब तुरंत हाथ के हाथ इसको पोंछ दो, तभी सुंदर लगेगा और नीचे का ग्रेन आपको दिखाई देगा, ठीक है। ये हो गया एक बार, इसमें लगाएंगे हम दो बार, क्योंकि हमने टीक येलो टू लिख रखा है ना। ये देखो, देखो वुड स्टेन करने से पहले कितनी तैयारी करनी पड़ती है, देखा है ना आप लोगों ने। ये देखो, इसे पोंछ दीजिए अच्छे से। अब जबकि ये थोड़ी देर के बाद सूख जाएगा, हम और एक बार लगाएंगे तो कितना डार्क होगा तो आप खुद ही देख लेना। एक बार आप और लगा दीजिए, आपको अगर थोड़ा और डार्कर शेड चाहिए तो आप एक बार और लगा दो और इसको हाथ के हाथ पोंछ डालो, ताकि जो भी फालतू लगा होगा वो निकल के आ जाए और हमारा ग्रेन एकदम साफ सुथरा दिखाई दे। अब आप खुद अंदाजा लगाओ कि दो बार लगाने से कितना डार्क, अब आपको पसंद करना है। देखो,
कि आपको कौन सा वाला ज्यादा अच्छा लग रहा है। ये देखो, हमें तो दो बार वाला ज्यादा अच्छा लग रहा है, लेकिन जिसको बहुत ही ज्यादा लाइट रखना है कि बीनियर हमारा अंदर का थोड़ा और अच्छे से दिखाई दे, तो वो एक बार भी कर सकता है, लेकिन दो बार भी वाला अच्छा लग रहा है। व्हाइट बीनियर पर भी कलर आप कैसे करेंगे इसका अब हम बता देते हैं। देखिए इसमें लिखा है ब्लैक बन, तो इसमें भी हम एक बार कर देंगे। करने के बाद तुरंत इसको साफ कर दें, ठीक है ना। इसमें लिखा है ब्लैक टू, तो इसको हम दो बार करेंगे। ये ना, इसको भी पोंछ देंगे हाथ के हाथ, एक बार और लगाएंगे ताकि हम देखेंगे इससे कितना डार्कर आता है। सूखने के बाद एक बार और लगाएंगे। लगाने के बाद फिर इसको हाथ के हाथ पोंछ भी देंगे इस तरीके से। देखो इससे थोड़ा सा डार्क हुआ है, दो बार करने से इसको रखो। अब हम करेंगे वॉलनट। देखो व्हाइट विनियर पर अगर कलर करना है तो इस तरीके से आप कर सकते हैं। पहुंच दिया, इसमें हम दो बार करके दिखाएंगे आपको, जैसे कि वॉलनट टू लिखा है, ठीक है। थोड़ा सूख जाएगा, जब सूख जाए और थोड़ा डार्क चाहिए तो एक बार आप और लगा सकते हो इस तरीके। लेकिन लगा के रखना नहीं है, पोंछ देना है। इस तरीके से देखो, इससे ज्यादा डार्क हो गया दो बार करने से। अब इसको रख देंगे और हम लगाएंगे रोज वुड। लगाएंगे, पहुंच देंगे, ठीक है। पहुंच दे, इसको भी दो बार लगाएंगे। इसको भी पहुंच देंगे। जब सूख जाएगा एक बार और लगाएंगे। देखो जैसा कि इसमें हमने लिखा है दो बार करके दिखाना है, दो बार हम करके दिखाएंगे। और ध्यान रखें, अगर डार्कर शेड चाहिए तो ज्यादा थिनर ना मिलाएं, फिर ज्यादा पतला पतला ना करें, लेकिन लगा के पोंछ भी दें, तो उससे आपको कलर भी अच्छा आएगा और कहीं ज़्यादा लगा हुआ नहीं रहेगा, बहुत सुंदर लगेगा। जैसे अब दिखाई दे रहा है, देखो ऐसे पोंछ देने से फ़ायदा होता है, ऐसे देखो साफ साफ हो जाता है। इससे डार्क लग रहा है ना दो बार करने से, ये देखो। इसको भी रखते हैं। अब हम करेंगे टीक येलो और हाथ को साफ करते रहें। Thank you.
देखो खत्म हो गया, थोड़ा सा और डालना पड़ेगा इसमें, एक बार ही करेंगे। मुझे सबसे ज्यादा यही वाला कलर पसंद आता है, तो बहुत सुंदर लगता है। ये भी अच्छे हैं, बुरे कुछ भी नहीं, सब अच्छे। इसमें डाल लेंगे अभी एक बार करते हैं, जब दोबारा करेंगे ना तो डाल लेंगे। व्हाइट वीनियर पर भी आप लोग कलर कर सकते हैं। अच्छा, करने के बाद देखो कपड़े में बहुत कम था इसीलिए पोंछने की भी ज़रूरत नहीं, वो कम कम ही लगा है। ये देखो हो गया, एक बार और लगा के दिखा देंगे। थोड़ा सा ले लिया इसमें, देखो इसमें दो बार करके दिखाएंगे। हो गया, अब इसको पोंछ दें हाथ के हाथ। ऐसा करने से क्या होता है, कहीं कम कहीं ज़्यादा नहीं लगता। अब आप खुद अंदाजा लगाइए इन दोनों। अच्छा, इसको मैं पहले रख देता हूँ इसके अंदर, ठीक है। अब आप दिखा दो, देखो इसमें एक एक बार हुआ है, इसमें दो दो बार हुआ है। ये देखो, ये वाइट, ये नेचुरल टिक प्लाई है। आप किसी में भी कलर कर सकते हो इस तरीके से। वुड पे करके दिखाते हैं आपको पहले। ऐसे लगाएंगे और देखिए, ये पॉपुलर की लकड़ी है, ये पाइन वुड नहीं है। और इसको तुरंत पोंछ भी देंगे, नहीं तो नीचे का ग्रेन दिखाई नहीं देगा। जो कहते हैं ना ग्रेन दिखना चाहिए, क्यों नहीं दिखेगा। ये देखो दिख रहा है, ये आगे पीछे की वो सरक रहा है, बहुत हल्का है इस वजह से। ये देखो इसमें, देखो एक बार हुआ है ना, इसमें अब हम नहीं करेंगे। देखो ग्रेन दिखाई दे रहे हैं ना इसके, ऐसे ही दिखाई देते हैं। इसमें हम दो बार करके दिखाएंगे। देखो लगा दिया, फटाफट इसको पोंछ देना है। पोंछ दिया, अब ये सूख जाएगा तो इसमें हम और एक बार करके आपको दिखाएंगे, ठीक है। देखो इधर है, इधर अब आ जाओ। वॉलनट, वॉलनट वन और टू, ब्लैक को रख देते हैं। हाथ को साफ करते रहें ताकि कलर एक दूसरे से में मिक्स ना हो जाए। देखिए लगा लिया, अब इसको तुरंत हाथ के हाथ पहुंचना भी है, लगा के रखना नहीं है इस तरीके से। देखिए ये एक बार है, इसको हम लगाएंगे दो बार। इसे सूख जाने दो, तब हम दो बार करके दिखाएंगे। अब हम इसमें लगाएंगे रोजवुड। देखो ये लकड़ियों पर है, अगर हम लकड़ी पर करके नहीं दिखाते तो आप बोलते देखो खाली बीनियर पे करके दिखाया, लेकिन ये आपके टीक की लकड़ी नहीं है। उसमें हम बाद में वीडियो बनाएंगे, लेकिन करना कैसे है देखो, प्रोसेस है ऐसे ही, सेम ही रहता है। ये है पॉपुलर का, ये पाइन बोर्ड भी नहीं है, ये पॉपुलर है जिससे आपकी प्लाई बोर्ड या प्लाई बोर्ड बनता है। इसी पेड़ की लकड़ी का, पॉपुलर का प्लाई बोर्ड या प्लाई बोर्ड बनता है, बहुत सुंदर होता है देखने में।
एक वाला, ठीक है ना, इसमें हम दो बार लगाएंगे। देखिए, सबसे पहले हमने किया था ब्लैक, तो ब्लैक को हम दूसरी बारी करके दिखाएंगे, इसमें एक बार, इसमें दो बार करके दिखाएंगे। अब हम इसको रख देते हैं, रोजवुड एकदम आखिर में करेंगे। आ जाओ भाई, ब्लैक जो भी है इसमें से सारा ले लो, क्योंकि अब तो बनाना नहीं है। बस ब्लैक टू अच्छे से लगाओ जितना लगाना है, क्योंकि तुरंत पहुंच भी देना है हाथ पे, दूसरा कपड़ा लेते हैं। ये देखो इस तरीके से, इसमें दो बार हो चुका है, ठीक है ना, इसमें एक बार हुआ है। अब आपको अंदाजा लगाओ कि आपको कैसा चाहिए, एक बार लगाने से अच्छा दिख रहा है या दो बार लगाने से, वैसे ही आप डिसाइड कर लो। इससे ज्यादा करोगे तो फिर एकदम ब्लैक हो जाएगा, जो आपकी ग्रेन है वो दिखाई ही नहीं देंगे, ठीक है ना, आप समझ गए ना। हम वॉलनट का कर लेते हैं, ब्लैक कंप्लीट हो गया, हटाओ वॉलनट टू, इसको रखो, इसको अब यहाँ से हटा ही दो, क्योंकि अब इसका काम हो गया समाप्त। वॉलनट टू जितना लगाना है एक बार में अच्छे से लगाओ, कहीं पे भी लगाना है, क्योंकि फिर तुरंत इसको पोंछ देना है। जितना डार्कर शेड चाहिए उतना ही लगा के पोंछते चले जाओ। देखो ये इससे भी ज्यादा डार्क लग रहा है, देखो इस तरीके से करना होता है। अब इसका भी काम हो गया, साइड में हटो। अब रोजवुड आ जाओ इधर भाई, हमेशा ध्यान रखो कलर करते वक्त बिल्कुल मत डरो, लेकिन मोटा मोटा लगा के छोड़ना नहीं है, इतना ध्यान रखो। फिर इसको तुरंत पोंछ दो, तो इससे क्या होगा, आपके ग्रेन भी दिखाई देंगे और कलर भी हो जाएगा, यही तरीका होता है। और अगर आपको बिल्कुल डार्क चाहिए तो आप फिर प्लाई बोर्ड या फिर MDF बोर्ड पर कर सकते हैं, ठीक है ना। ये देखिए इसमें हम करने वाले हैं बेंच 1 और 2, एक बार इसमें करके दिखाएंगे, दो बार ये, ठीक है। अच्छा, इसमें हम करके दिखाने वाले हैं डार्क इंडियन ओक। लाख दाना स्प्रिट का मिक्सचर दे सकते हो, बस बिल्कुल मामूली थिनर, कलर लेकर लगाना नहीं है, ठीक है, कॉटन फैब्रिक की मदद से लगाएंगे। इसमें हम बनाते हैं बेंच, क्या नाम है, बेज है, बेंज है, बेंगे है, पता नहीं क्या है, ये नाम भी रखते हैं ये लोग, दुनिया में और कुछ नाम इनको मिलता ही नहीं है। बेंच, इसमें भी हम थोड़ा सा लाख दाना स्पीड का मिक्सचर डाल लेंगे और क्यों डालते हैं ये बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि बहुत ही गाढ़ा गाढ़ा कलर लेके करना नहीं चाहिए, और कॉटन फैब्रिक की मदद से लगाएं, और एक टिश्यू पेपर हमेशा हाथ में रखें, कंजूसी ना करें। और हम सबसे पहले ये बेंज कलर लगाते हैं, इसमें एक बार लगाना है, ठीक है, ये है पाइन वुड। अब इसको लगाने के बाद हम इसको पोंछ देंगे, इसमें लगाएंगे हम दो बार, इसको भी पोंछ देंगे। देखिए
जब ये सूख जाएगा इसमें एक बार और लगाएंगे, इसको रख देते हैं। अब हम लगाएंगे डार्क इंडियन ओक। कॉटन फैब्रिक की कमी नहीं है, काट काट के हमने पहले ही रख रखा। इसको इसमें एक बार लगाएंगे डार्क इंडियन ओक। इसका मजा ही अलग है, ये कुछ अलग टाइप का लग रहा है, अच्छा लग रहा है, मुझे पसंद आया काफी कलर। इसमें हम दो बार लगाएंगे, एक बार लगा के पोंछ देंगे, फिर जब सूख जाएगा तो एक बार और लगाएंगे। ये हो गया, ठीक है, इसको हम रख देते हैं। अब ये सूख चुका है, ठीक है, इस दोबारा हम इसमें और लगा देंगे। पहुँच देंगे लगा कर। अब आप खुद अंदाजा लगाइए कि जो बेंज कलर है ये एक बार लगाने से आपको पसंद आ रहा है या दो बार लग चुका है वो पसंद आ रहा है, ठीक है। देखो अच्छा, इसको रख दो, इसको भी रख दो, इसको हटा देते हैं पहले, किसी भी लगाने। अब हम लगाएंगे दूसरी बार, कलर लगाते वक्त कंजूसी ना करें, ठीक है, लेकिन लगाने के बाद पोंछ दें। देखिए इसमें एक बार लगा है, इसमें दो बार लगा है, मुझे तो दोनों ही शेड पसंद आ रहे हैं। देखो अगर अच्छे से लगाया जाए ना तो शेड सारे अच्छे लगते हैं, और जितना इसमें आप लगाते चले जाओगे सूखा सूखा के उतना ही डार्क होता चला जाएगा कोई भी कलर हो। इसमें एक बार कलर हुआ है, इसमें दो बार हुआ है, गौर से देख लो, साइड में ये व्हाइट वीनियर है, इसमें एक बार हुआ है, इसमें दो बार हुआ है, यानी कि इस कलर से ज्यादा डार्क है। इस कलर के ऊपर 4 से 5 बार आप लाकडान और स्प्रिट का मिक्सचर लगाओ, जब लग जाए अच्छे से सूख जाए तो आप एक बार अपॉक्सी लगा दो, उसके बाद सीलर और लेकर कर दो, हो जाएगा फाइनल। प्यू करना चाहे प्यू करो, मेलामाइन करना चाहे मेलामाइन करो, कुछ भी कर सकते हो, ठीक है, इस तरीके से। लेकिन कलर ऐसे ही करना है, लगा के पोंछना है। देखिए ये ब्लैक है, ये लकड़ी पर है, ये एक बार हुआ है, ये दो बार हुआ है, ठीक है ना। पॉलिश का सेम प्रोसेस रहता है, चाहे वो बीनियर हो या लकड़ी हो, बस सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि वुड फिलर जो है आपको टीक का लकड़ी हो या टीक का बीनियर हो उसमें ना लगाएं। देखिए ये वॉलनट है, ये एक बार हुआ, ये दो बार हुआ, ये रोज वुड है, ये एक बार हुआ है, ये दो बार हुआ, तो आप देख सकते हैं जिसमें दो बार हुआ है वो थोड़ा डार्क है, रेड में भी। ये देखिए अच्छा, ये बेंज कलर है, इसमें एक बार हुआ है, इसमें दो बार हुआ है। देखिए दो बार करने पर भी अंदर से इसके जो रेशे हैं पाइन बुट के दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। और ये है डार्क इंडियन ओक, इसमें एक बार हो रखा है, इसमें दो बार। अगर आप दो बार भी लगाएंगे देखो कितना अच्छा शेड आता है इसमें, ये भी बहुत बेहतरीन लग रहा है, आप इसको भी करवा सकते हैं।